हेलो, मैं इसके कश्यप प्लेटफॉर्म कोचिंग, जहां आज आपको बिहार दरोगा का मेंस से संबंधित राज व्यवस्था के विषय के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। विद्यार्थीगण, आज आपको राज व्यवस्था पॉलिटी के बारे में बतलाना है। राज व्यवस्था एक ऐसा विषय क्षेत्र है कि आप में से जो भी विद्यार्थी पिछले 6 महीना से भी अखबार पढ़ता हो, समाचार सुनता हो, तो यकीनन तौर पर उसे राज व्यवस्था की एक सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। यह एक ऐसा विषय क्षेत्र है जिससे दैनिक रूप से हम लोग कहीं कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़े होते हैं। भारत की राजव्यवस्था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन प्रणाली, लोकतंत्र या जनतंत्र, डेमोक्रेसी, जिसका सर्वोत्तम परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया कि डेमोक्रेसी इज द बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल। जनतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से शासित होने वाला शासन तंत्र है। जनतंत्र लोकतंत्र वर्तमान समय में विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली कई प्रकार का होता है। लोकतंत्र में ही संसदात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम, अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंसी सिस्टम, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों का साथ साथ होना, इसके अलावा पड़ोसी राष्ट्र चीन में साम्यवादी कम्युनिज्म शासन प्रणाली, चंद वर्षों पहले तक पाकिस्तान, म्यांमार, बर्मा में सैनिक शासन प्रणाली हुआ करता था। आज भी जापान, इंग्लैंड में राजतंत्रीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अरब देशों में कुलीन तंत्रीय शासन प्रणाली है या कहीं राजतंत्रीय शासन प्रणाली है। तो अलग अलग प्रकार की शासन प्रणाली होती है, अलग अलग प्रकार का शासन तंत्र होता है। उसमें वर्तमान समय में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, गणतंत्र को सबसे बेहतर शासन प्रणाली माना जाता है। विश्व के 196 देश संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता के हिसाब से, या तो आप अलग अलग किताब के पन्नों पर देश की संख्या 261 तक पढ़ते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने जो मान्यता दे रखा है वह 196 देश को मान्यता दे रखा है। और आपको पता होगा कि 196 देश में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। इसमें 3 देश इजराइल, वेटिकन सिटी, और ताइवान, ये 3 देश संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं है। इस 196 मान्यता प्राप्त देश में 140 देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, पूर्ण या अपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कार्य कर रहा है। लोकतंत्र की सबसे मुख्य विशेषता होती है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार ये लोकतंत्र की सबसे मुख्य विशेषता होती है, अर्थात बिना किसी भेदभाव का, समानता के आधार पर सबको समान एक मत देने का अधिकार। अर्थात जहां जनता के द्वारा, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जनता के लिए, ऑफ द पीपुल, जनता से शासित शासन प्रणाली हो, वहां जनता को मत के द्वारा
सरकार को चुनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जब तक जनता को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और समानता के साथ मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र की स्थापना संभव ही नहीं है। तो सार्वभौमिक मताधिकार 140 देशों में सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, जो लोकतंत्र की सफलता का, लोकतंत्र की लोकप्रियता का परिचायक है। तकरीबन 57 देश ऐसे हैं जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार काम कर रही है, इसमें भारत भी शामिल है, जहां पूर्णतः एक नियमित अंतराल पर, नियमित निश्चित अंतराल पर वहां चुनाव होता है, जनता को सरकार को बनाने का अधिकार होता है, सरकार को चुनने का अधिकार जनता को प्राप्त होता है। ये लोकतंत्र की सफलता का परिचायक है। विद्यार्थीगण, सर्वप्रथम 1893 न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश रहा जहां की सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार नागरिकों को प्राप्त हुआ। बिना किसी भेदभाव की स्त्री और पुरुष दोनों को समानता के साथ मत देने का अधिकार सर्वप्रथम 1893 न्यूजीलैंड में मिला। वर्तमान समय में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी का भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद अमेरिका निभाता है, जहां सार्वभौमिक मताधिकार 1965 से प्राप्त होता है। स्त्री पुरुष गोरे काले बिना किसी भेदभाव किए सबको एक मत देने का अधिकार अमेरिका में 1965 से प्राप्त हुआ। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निर्मित संविधान के आधार पर 1950 से भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के तहत सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। और ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। उस राष्ट्र में लोकतंत्र है, जनता का शासन तंत्र है, जहां जनता को सार्वभौमिक मताधिकार, मत देने का अधिकार प्राप्त हो। तो विश्व के 196 मान्यता प्राप्त देश में से 140 देश में सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। 57 देश ऐसे हैं जहां प्रत्यक्षतः जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार शासन प्रणाली को नियंत्रित करती है, शासन प्रणाली का प्रधान होता है। ये हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता का परिचायक है। सर्वप्रथम आधुनिक काल में 1688 इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति होती है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात लोकतंत्र की नींव रखी गई, लोकतंत्र का जन्म हुआ। ऐसे प्राचीन काल में लोकतंत्र का जननी माना जाता है एथेंस को। इसे लोकतंत्र का जननी कहते हैं, लोकतंत्र का जनक होता है। राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटिकल साइंस का एक अंग है, एक पार्ट है। राज्य व्यवस्था अर्थात राजनीति शास्त्र के जनक कार्ल मार्क्स, राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तू को माना गया है, जो यूनान अर्थात एथेंस वर्तमान ग्रीस के ही नागरिक थे। अरस्तू को राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। तो प्राचीन काल में लोकतंत्र की शुरुआत एथेंस से होता है। आधुनिक काल में लोकतंत्र की शुरुआत 1688 इंग्लैंड से होता है, लेकिन लोकतंत्र का वास्तविक विकास 1789 फ्रांस की क्रांति से होती है, जहां की देन थी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये लोकतंत्र की सबसे मुख्य पहलू है, मुख्य शर्त है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति 1789 की देन है। तो 1789 से लोकतंत्र जो है विधिवत रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। अब अमेरिका विश्व का पहला देश रहा जहां मार्च 1789 में संविधान बनकर तैयार हुआ और पहला संवैधानिक लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका बना।
पहला जो है संवैधानिक गणतंत्र अमेरिका बना 1789 में, और गणतंत्र अर्थात अपनों में से श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रशासन का प्रधान चुनना, अपनों में से सुयोग्य व्यक्ति को प्रशासन का अध्यक्ष बनाना, विश्व का प्रथम गणतंत्रीय राज्य बिहार के वैशाली का लिच्छवी, अभी जो वैशाली क्षेत्र हुआ वह हुआ आपका हाजीपुर, ऐसे वैशाली जिला के आधार पर मुजफ्फरपुर कर देते हैं जो गलत है, वर्तमान जो वैशाली का क्षेत्र हुआ वो मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि हाजीपुर हुआ। तो विश्व का प्रथम गणतंत्रीय राज्य वो बिहार के वैशाली का लिच्छवी था, जहां 1707 प्रतिनिधि अपने में से एक को राजा चुनते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का राजा चेटक था, जो एक निर्वाचित राजा था। प्राचीन काल में लिच्छवी के अलावा गौतम बुद्ध का जो राजक्षेत्र है कपिल वस्तु, उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद जहाँ गौतम बुद्ध की महानिर्वाण की प्राप्ति मृत्यु होती है, तो मल्ल महाजनपद, कपिल वस्तु जनपद, लिच्छवी गणराज, ये सब प्राचीन भारत का गणतंत्रीय शासन प्रणाली था। गणतंत्र लोकतंत्र का ही एक रूप होता है। उस राष्ट्र को गणतंत्र कहते हैं जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, जहां का राष्ट्राध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित हो, जहां का राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं हो। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राष्ट्राध्यक्ष का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल निर्धारित है। राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता है। तो भारत एक गणतंत्र है, पहले बतलाए संवैधानिक गणतंत्र का पहला उदाहरण है 1789 में अमेरिका, जहां का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति भारत की तरह ही निर्वाचित होते हैं। ठीक, निर्वाचन की प्रक्रिया भिन्न है लेकिन वो भी निर्वाचित होते हैं। उनका कार्यकाल भी भारत की तरह, भारत में 5 वर्ष तो अमेरिका में 4 वर्ष निर्धारित है। तो विश्व का पहला गणतंत्रीय राज बिहार के वैशाली का लिच्छवी, प्रथम संवैधानिक गणतंत्र अमेरिका, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक राज एथेंस, आधुनिक भारत विश्व में प्रथम लोकतांत्रिक राज इंग्लैंड, और लोकतंत्र का वास्तविक विकास होता है 1789 फ्रांस की क्रांति के पश्चात। लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ शर्त का होना आवश्यक है, जिसे सबसे पहले बतलाए कि पहला शर्त है सार्वभौमिक मताधिकार, अर्थात सबको एक मत देने का अधिकार, ताकि समानता स्वतंत्रता के साथ सभी लोग को एक समान, कोई भी विशेषाधिकार संपन्न वर्ग नहीं हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। ये तो लोकतंत्र की सफलता के लिए पहला शर्त है। दूसरा, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है वहां विभिन्न राजनीतिक दल हो। बिना राजनीतिक दल की लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, चाहे वो एक दलीय एक सॉरी चाहे वो दो दलीय शासन प्रणाली हो या बहुदलीय शासन प्रणाली। भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में, इंग्लैंड में दो दलीय शासन प्रणाली है। चाहे वो बहुदलीय शासन प्रणाली हो या दो दलीय शासन प्रणाली हो, लेकिन एक से अधिक दल का होना अनिवार्य है, क्योंकि जनता के पास जब तक चुनने का ऑप्शन नहीं हो लोकतंत्र हो नहीं सकता है। और चीन में सिर्फ एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होती है तो वहां लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, लोकतंत्र का जीवन कहा जाता है, लोकतंत्र का आधार कहा जाता है। तो जहां बहुदलीय या दो दलीय शासन प्रणाली हो, अलग अलग छोट दल हो, लोकतंत्र के लिए सफलता के लिए। तीसरा शर्त है कि निर्णय तो बहुमत दल लेता हो, लेकिन अल्पमत को भी अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। अल्पमत का
राय अल्पमत की इच्छा का सम्मान बहुमत के द्वारा किया जाता हो, मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। तो जहां मजबूत विपक्ष हो, निर्णय तो सत्ता पक्ष बहुमत के द्वारा लिया जाता हो, सत्ता नरेंद्र मोदी के पास है, बहुमत नरेंद्र मोदी के पास है, तो निर्णय तो नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी, लेकिन विपक्ष को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर उपलब्ध हो। अब देखिए सीए काफी विवाद चल रहा है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ठीक है लोकसभा में पास हुआ, वोटिंग के द्वारा पास हुआ, लेकिन विपक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था, फिर भी पास हुआ, तो विपक्ष के सहयोग से ही पास हुआ। उस पर लंबी चौड़ी बहस हुई, घंटों बहस किया गया, दोनों सदन मिलाकर तो हर 20 घंटा से ऊपर बहस हुआ, हर लोग को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मौका मिला। लोकतंत्र की विशेषता होती है कि निर्णय तो बहुमत लेगा, लेकिन विपक्ष को भी अपना पक्ष रखने का भरपूर अवसर दिया जाएगा, और विपक्ष की अच्छी बात को, अच्छे सुझाव को, राष्ट्रीय हित से जुड़े सुझाव को सत्ता पक्ष स्वीकार करे, ये लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि जनता का आचरण लोकतांत्रिक हो, जहां हर समस्या के समाधान आपसी वार्तालाप, आपसी सहमति के आधार पर करने की प्रबल इच्छा शक्ति हो। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक महापर्व चुनाव में जनता उत्साह के साथ भाग लेता हो, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव होता हो, चुनाव में किसी एक का पक्ष नहीं बल्कि सबको समानता के साथ, निष्पक्षता के साथ, नियमित अंतराल पर चुनाव संपन्न होता हो। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का उत्साह के साथ मतदान में भाग लेना, बूथ पर जाना, वोट देना, ये लोकतंत्र की सफलता के लिए बेहद ही आवश्यक है। लोकतंत्र में चुनाव निर्वाचन का होना आवश्यक है। विश्व स्तर पर पहली बार मत पत्र बैलेट पेपर चुनाव के लिए, बैलेट पेपर मत पत्र का प्रयोग एथेंस में किया गया। विश्व का पहला देश एथेंस यूनान ग्रीस रहा, जहां मत पत्र बैलेट पेपर को प्रयोग में लाया गया। भारत में भी सर्वप्रथम 9वीं शताब्दी में 850 ईस्वी के बाद तमिलनाडु चोल राजवंश में, दक्षिण भारत का चोल राजवंश तमिलनाडु का मूल क्षेत्र हुआ, तो चोल राजवंश में बैलेट पेपर को, मत पत्र को प्रयोग में लाया गया। विश्व स्तर पर मत पत्र का प्रयोग, बैलेट पेपर का प्रयोग एथेंस में किया गया, और भारत में 9वीं शताब्दी में भारत में सर्वप्रथम मत पत्र का प्रयोग आपका दक्षिण भारतीय राजवंश चोल राजवंश में किया गया। वर्तमान समय में मत पत्र के लिए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। भारत में सर्वप्रथम 1982 में केरल में प्रयोग के तौर पर ईवीएम मशीन को प्रयोग में लाया गया सर्वप्रथम, और छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव, गोवा, ये चुनाव में मत ईवीएम मशीन को पूर्णतः प्रयोग में लाया गया। सर्वप्रथम प्रयोग के तौर पर 1982 केरला में, राज्य स्तर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तब ईवीएम को संपूर्ण राज्य में प्रयोग में लाया गया। अभी भी पैट का प्रयोग करते हैं, जहां वेरिफिकेशन होता है कि जिसको हमने मत दिया वही व्यक्ति को, वही पार्टी को मत मिला या ना मिला। तो 2019 के चुनाव में पूरे भारत के समूचे लोकसभा क्षेत्र में वीवीपैट मशीन का प्रयोग में लाया गया। तो मत पत्र से जुड़ा होता है। अगला जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि जनता का आत्मबल ऊंचा हो, जो लोभ या भय के आधार पर कार्य नहीं करता हो, लोभ या भय के आधार पर निर्णय नहीं लेता हो। जनता का ये कहता है आत्मबल ऊंचा हो, अगला कहता है जनता का
नैतिक बल, नैतिक चरित्र ऊंचा हो, जो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कार्य नहीं करता हो। विद्यार्थीगण, भारत में लोकतंत्र को अपना लिए, 17 बार शांतिपूर्ण और लगभग चलिए निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। अलग अलग कई दल, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल की सरकार बन चुकी है, जो हमारी लोकतंत्र की सफलता का परिचायक है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब वही बताया कि पड़ोसी देश चीन, जो जनसंख्या में सबसे बड़ा है, वहां लोकतंत्र है नहीं, और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल देश भारत, जहां लोकतंत्र है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहां लगभग 90 करोड़ से अधिक मतदाता है, 90 करोड़ से अधिक मतदाता है, अधिक लोग मत देते हैं। वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 कहता है, वयस्क मताधिकार अर्थात सभी नागरिक को, 18 वर्ष से ऊपर वर्ग के नागरिकों को समानता के साथ मत देने का अधिकार, जो एक राजनैतिक वैधानिक अधिकार है। तो भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया, वैधानिक आधार पर समानता के साथ सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार अनुच्छेद 326 के आधार पर दिया गया। 17 बार शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। सत्ता बड़े आसानी से अटल बिहारी वाजपेयी से, मनमोहन सिंह से नरेंद्र मोदी के पास आ जाती है। उसके लिए कोई पानीपत का युद्ध या तराइन का युद्ध या बक्सर का युद्ध लड़ना नहीं पड़ता है। ईवीएम मशीन और मतपत्र के द्वारा निर्वाचित सरकार, निष्पक्षता के साथ सरकार का चुनाव होता है। जनता ये ताकत है कि बड़े से बड़े सत्ताधीश को चुनाव में पराजित कर देता है। मनमोहन सिंह भी चुनाव लड़े, वो पराजित हो चुके थे, ठीक है, एक ही बार चुनाव लड़े। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी चुनाव में राजनारायण नामक व्यक्ति से पराजित हो जाती है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शिबू सोरेन, पीटर राजा नामक निर्दलीय उम्मीदवार से चुनाव हार जाता है। शीला दीक्षित 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रही, अरविंद केजरीवाल से चुनाव हार जाती है। ये लोकतंत्र की मजबूती का परिचायक है कि 2013 में सत्ता, 2013 में बना राजनीतिक दल एक वर्ष के अंतराल में दिल्ली में बहुमत की सरकार बना लेती है। 1983-84 में बना असम गण परिषद नामक राजनीतिक दल एक वर्ष के अंतराल में ही असम में बहुमत के साथ सरकार बना लेती है। तो स्थापित दल को पद से भी स्थापित कर दिया जाता है, नए नए इस दल को सत्ता सौंप दी जाती है। ये लोकतंत्र की सफलता की कहानी बयां करती है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ कितनी मजबूत है। जनता बड़े से बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति को चुनाव हरा देती है। पड़ोस देखिए झारखंड, जिसका गठन 15 नवंबर 2000 से को हुआ, वहां जितने भी मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए चुनाव लड़े, वो सभी मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। वहां एक भी मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीता, ठीक है, बाद में कभी जीता, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर रहते चुनाव लड़ने वाले सभी मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं। ये लोकतंत्र की सफलता का सूचक है कि जनता अयोग्य या जनता के आकांक्षा पर खरे नहीं उतरने वाले मुख्यमंत्री को अभी देखिए निर्दलीय सरयू राय ने मुख्यमंत्री झारखंड को पराजित कर देते हैं। लेकिन अभी भी लोकतंत्र में कई खामियां हैं, जो दीमक की तरह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चट कर रही है। लोभ और भय, लोभ कितना है, चुनाव में पैसा कितना आज भी प्रभावी है। आपका उदाहरण 2019 का ही लोकसभा चुनाव रहा, जहां तमिलनाडु, दक्षिण भारत में, जहां तुलनात्मक रूप से विद्यार्थीगण माना जाता है उत्तर की तुलना में दक्षिण का राज्य समृद्ध है, और वहां के लोग का नैतिक स्तर तुलनात्मक रूप से उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण के लोगों की नैतिक स्तर अच्छा माना जाता है। भ्रष्टाचार तुलनात्मक रूप से कम माना जाता है। उसी तमिलनाडु में नेल्लौर लोकसभा का चुनाव
चुनाव नल्ला विधान लोकसभा सीट का चुनाव को इसलिए स्थगित कर देना पड़ा क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर नोट फॉर वोट पैसा बांटा जा रहा था वोट को खरीदने के लिए। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली बार रहा जहां भारत की कोई भी मुख्य पार्टियां वहां कोई चुनाव के दावेदार विजय के दावेदार भी न थे। बीजेपी कांग्रेस वहां क्षेत्रीय पार्टियां थी और बड़े पैमाने पर पैसा बांटा जा रहा था। 17वीं लोकसभा 2019 में संपन्न हुआ जिसमें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उसके वेबसाइट पर आप देख सकते हो कि 3600 करोड़ रुपया विभिन्न पार्टियों के गाड़ी से प्रचार गाड़ी से जब्त किया गया जो कि चुनाव में नोट फॉर वोट अर्थात नोट के बदले वोट देने के लिए बांटने के लिए जनता का वोट खरीदने के लिए उस पैसा को प्रयोग में लाया जाना था। वैसे पैसा को जब्त किया गया इतना तो आप भली भांति समझते होंगे। यदि 3600 करोड़ को पकड़ा गया तो कम से कम 7200 करोड़ रुपया तो शायद बंट चुका होगा। तो आज भी लोभ पैसा चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करता है। आप में से चलिए बिहार के ही अधिकांश विद्यार्थी होंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम के आधार पर मुखिया के एक उम्मीदवार को चुनाव लड़ने में के लिए अधिकतम 50,000 रुपया खर्च करने का अधिकार है। विद्यार्थी गण आपने देखा होगा अपने गांव में कि मुखिया के चुनाव में एक उम्मीदवार 10 लाख 15 लाख 20 लाख 10 से 20 लाख रुपया खर्च करता है जब उसे खर्च करना अधिकतम 50,000 रुपया है। 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। औसत तौर पर 5,000 5,500 वोटर होते हैं। उस 5,000 वोट पर 10 लाख से 20 लाख रुपया बांटा गया है। ठीक है 100% लोग पैसा लेकर वोट नहीं देते हैं लेकिन आज भी चुनाव में जीत और हार में पैसा कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करता है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के आधार पर मुखिया के उम्मीदवार को अधिकतम 50,000 रुपया खर्च करने का ही प्रावधान है। 28 लाख रुपया एक एमएलए बड़े बड़े राज्यों में बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपया खर्च कर सकता है। संसद के चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रुपया खर्च कर सकता है। 2014 के चुनाव में ही विजयी हुए मुंडे गोपीनाथ मुंडे बीजेपी उम्मीदवार जिनकी स्वर्गीय हो चुके हैं मृत्यु हो चुकी तो उन्होंने कहा था एक कॉन्फ्रेंस में कि 8 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करना पड़ा है। एक सामान्य सी बात है लोग स्वीकार भले ना करते हो भले अपनी खर्च का आय व्यय के ब्यौरा में 70 लाख या उससे कम चुनाव को दिखला देते हैं लेकिन बस वास्तविकता यही है कि करोड़ों करोड़ खर्च करना होता है। भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से हो जाती है। आखिरकार वो यदि 8 करोड़ रुपया चुनाव के अवसर पर लगाए हैं मुखिया जी 15 लाख रुपया लगाया तो 15 लाख वो इन्वेस्ट किया है। वो इन्वेस्ट 5 साल के लिए है। अगला 5 साल के बाद वो इसे यह पद मिलेगा या ना मिलेगा उसकी कोई गारंटी। उसे फिर से नया इन्वेस्ट करना होगा। तो जब 5-15 लाख रुपया लगाया तो वो 50 लाख का प्रबंध करेगा ही। 8 करोड़ रुपया खर्च किया तो 28 करोड़ कमाने का प्रबंध करेगा ही क्योंकि अगला 5 साल के बाद फिर उसे 8 से 10 करोड़ खर्च करना होगा। तो वह लाभांश सहित अपने ब्याज को अपने मूलधन को प्राप्त करेगा ही। तो भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है? जब तक हम लोकतांत्रिक प्रणाली में बिना लोभ या बिना भय के मतदान में भाग नहीं लेते हैं लोकतंत्र की सफलता कभी भी संभव नहीं है। चुनाव में आज भी जाति धर्म भाषा काफी हद तक प्रभावित करता है। हर पार्टी अपना उम्मीदवार को कहीं न कहीं भाषा के आधार पर कहीं न कहीं जाति को आधार बनाकर क्षेत्र को आधार बनाकर चुनाव में शामिल होते हैं। अब देखते चलिए अरे स्थापित दल जो कि वही काम करते रहते हैं ही जाति धर्म को ही आधार बनाते हैं पढ़े लिखे नव युवक वर्ग चलिए यही बहुचर्चित व्यक्ति रहे कन्हैया कुमार
काफी सुयोग्य व्यक्ति दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र लीडर, उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, एक प्रबुद्ध वर्ग। लेकिन वो भी चुनाव में देखे कहीं न कहीं अपनी जनता को प्रभावित करने के लिए बाहरी और आंतरिक व्यक्ति का प्रयोग किया गया कि हम स्थानीय हैं और हमारा प्रतिद्वंदी बाहरी व्यक्ति है। तो ऐसे एक प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के द्वारा भी ऐसा किया जाता है। एक तो चलिए राजनीतिक दल ऐसे करते रहते ही हैं, लेकिन जो नए पढ़े लिखे युवा वर्ग भी जब आते हैं और वो भी उसी पारंपरिक धर्रे पर काम करते हैं, तो लोकतंत्र के लिए कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं। लोकतंत्र में चूंकि जनता का शासन तंत्र है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, वहां पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को हम ऊपर करने का प्रयास करें, इसके लिए लगातार प्रयास होता रहना चाहिए। चाहे किसी भी कोई भी पार्टी हो, सत्ताधारी बीजेपी, राजद, बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस कोई भी हो, हर उम्मीदवार जो चुनाव में खड़े किए जाते हैं, कहीं न कहीं जाति को बेस बनाकर, जाति को आधार बनाकर ही उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। अब देखते हैं दक्षिण भारत के भी चुनाव होते हैं, वहां भी कर्नाटक में तो कौन लिंगायत, तो बोका लिंगा या क्या क्या शब्द आता है, तमिलनाडु में तो सेटियार चेटियार क्या क्या ढेर सा उसमें आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में नायडू से लेकर के बेल्लार क्या क्या बहुत सारे आती आ जाते हैं। गुजरात में भी देखे आपने कि वहां पटेल से लेकर कई, राजस्थान में मीना, तो पूरे भारत में जाति बनी हुई है। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं जाति कास्ट वह है जो जाति नहीं। तो आज भी हमारे चुनाव को जाति, धर्म, भाषा, लोभ, भय प्रभावित करता है, जो लोकतंत्र की सफलता में कहीं न कहीं बाधक तत्व तो है। तो विद्यार्थीगण, ये था आपका लोकतंत्र और गणतंत्र। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं, गणतंत्र किसे कहते हैं, इतना के बाद अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे उसकी सफलता के लिए आवश्यक शर्त क्या है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको इतना के बाद कोई कठिनाई नहीं रही होगी। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरे को कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिस लोकतंत्र में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को अयोग्य होने पर, जनता के द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव यदि अयोग्य हो, जन समस्या के समाधान के लिए कार्य नहीं करता हो, अपने कार्य के प्रति उदासीन हो, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, तो वैसे जन प्रतिनिधि को यदि जनता के पास ये अधिकार है कि उसे वह रिटर्न वापस बुला सकता है, राइट टू रिकॉल, वापस बुलाकर उसकी जगह नया जन प्रतिनिधि को चुनकर भेजता हो, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन भारत जैसे विश्व के अधिकांश देशों में एकमात्र देश स्विट्जरलैंड को छोड़कर, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एकमात्र देश स्विट्जरलैंड, जिसको छोड़कर विश्व के सभी अन्य लोकतांत्रिक देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अर्थात जिस जन प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं, यदि वह अयोग्य हो, वह अपने कार्य के प्रति उदासीन हो, कार्य करने की उसमें क्षमता ही नहीं हो, उसमें एबिलिटी इफिशियंसी का अभाव हो, राष्ट्रीयता की भावना नहीं हो, जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं भी हो, तो भी वह 5 साल तक जनता की छाती पर मूंग दलता है और जनता कुछ नहीं कर सकती है। हम लोग एक निश्चित समय तक के लिए, निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित करते हैं, वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे, मध्य प्रदेश एमएलए की तरह, गुजरात के एमएलए की तरह, या विधानसभा बहुमत के अभाव में भंग हो जाए जम्मू कश्मीर की तरह, वो एक अपवाद हो सकती है, लेकिन जनता वो अपने से लड़ झगड़ कर वापस आ सकता है, अपनी स्वेच्छा से आ सकता है, हम लोग उसे वापस नहीं बुला सकते हैं। निश्चित कार्यकाल के लिए चुनते हैं, 5 वर्ष के बाद ही उसे हटा सकते हैं जब हमारे पास चुनाव के अवसर आते हैं।
लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि जहां की जनता के पास राइट टू रिकॉल का अधिकार हो, अपने द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार हो, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधि का कार्यकाल निश्चित होता है, एक निश्चित कार्यकाल के लिए वह चुने जाते हैं, समय से पहले उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता है। दूसरा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की सहमति से, जनमत संग्रह के माध्यम से जनता की इच्छा के आधार पर विधि का निर्माण किया जाता है, अर्थात जहां विधि के निर्माण में जनता की सहभागिता हो, जनता की इच्छा के आधार पर विधि का निर्माण किया जाता हो, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में विधि के निर्माण में जनता नहीं बल्कि निर्वाचित जन प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, उत्तरदायी होते हैं। आप उदाहरण के तौर पर देखें, भारत में जो भी कई कानून का निर्माण हुआ, चलिए उसमें सबसे CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, 101वां संविधान संशोधन GST, 102वां संविधान संशोधन OBC आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, 103वां संविधान संशोधन सामान्य वर्ग जनरल वर्ग के आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण, 104वां संविधान संशोधन पूर्वोत्तर भारत छठा अनुसूची के राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए विशेष आर्थिक स्वायत्तता, 105वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर देना और SC ST को अगले 10 वर्ष के लिए लोकसभा विधानसभा में आरक्षण को बनाए रखना, ये तमाम संविधान संशोधन या संसदीय अधिनियम जो संसद के द्वारा तैयार किया गया, उसमें जनता से कोई राय नहीं ली गई, उसका लाभ हानि जनता को प्राप्त होना है, लेकिन उसके टर्म ऑफ कंडीशन को सरकार अर्थात बहुमत दल निर्धारित करता रहा। तो जहां की विधि निर्माण में जनता नहीं बल्कि निर्वाचित जन प्रतिनिधि उत्तरदायी हो, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। भारत इंग्लैंड सहित विश्व के अन्य सभी देश स्विट्जरलैंड को छोड़कर जहां लोकतंत्र है, उन सभी जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही कार्य कर रही है। विद्यार्थीगण, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरे को कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंसी सिस्टम। जहां इंग्लैंड पार्लियामेंट्री सिस्टम का सर्वोत्तम उदाहरण है, भारत भी उसका उदाहरण है, लेकिन भारत ने इंग्लैंड से उधार लिया है। वहां इंग्लैंड में मौलिक रूप से तैयार किया गया और भारतीयों ने उसका कट पेस्ट कॉपी किया है, फोटो कॉपी किया है। और अध्यक्षात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है, तो अध्यक्षात्मक का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका और संसदात्मक का सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैंड। फ्रांस जो है अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों का मिलाजुला रूप है। जिस शासन प्रणाली में देश का शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष दोनों अलग अलग हो, भारत का शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, जर्मनी में शासनाध्यक्ष चांसलर, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, इंग्लैंड में शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी, वही हाल जापान में भी शासनाध्यक्ष राजा, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष राजा, जहां का शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों अलग अलग हो, उसे संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। और जहां का शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष दोनों एक हो, नाम मात्र का और वास्तविक प्रधान दोनों की शक्ति एक ही पद में अंतर्निहित हो, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति ही शासनाध्यक्ष भी हैं और राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, उसे कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो जहां का शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष
दोनों अलग अलग हो, संसदात्मक, और जहां का शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष दोनों एक ही हो उसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। दूसरा है कि जहां का शासनाध्यक्ष को जनता नहीं बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही चुनता हो उसे संसदात्मक, और जहां का शासनाध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित करता हो उसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। भारत में प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष है जिसे जनता नहीं बल्कि चुना गया संसद लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। जैसे पटना से रविशंकर प्रसाद, उसी प्रकार बनारस से नरेंद्र मोदी चुने गए। तो जहां के शासनाध्यक्ष को जनता नहीं बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुनता है, जबकि अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका की जनता के द्वारा निर्वाचित हुए हैं। जहां के राष्ट्र शासनाध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित हो, शासनाध्यक्ष एक निश्चित कार्यकाल के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित होते हों उसे अध्यक्षात्मक, और जहां के शासनाध्यक्ष को जनता नहीं बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही चुनता हो उसे उसे संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। फिर से देखिए, जहां के शासनाध्यक्ष को जनता नहीं बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही चुनता हो उसे संसदात्मक शासन प्रणाली, और जहां के शासनाध्यक्ष को जनता एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुनता हो उसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तीसरा अंतर होता है शक्ति का पृथकीकरण। मॉन्टेस्क्यू पहला विद्वान था जिसने शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत दिया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन हो। जहां मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत के आधार पर कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन हो उसे कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और जहां का कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद विधायिका अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी हो, या कार्यपालिका पर विधायिका को प्राथमिकता दिया जाता हो उसे संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ये था आपका लोकतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र की शासन प्रणाली। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में कहीं कोई कठिनाई नहीं रही होगी। आपको क्या कठिनाई यदि यदि हुआ हो, मान लिया जाए, तो मैं समझता हूं कठिनाई नहीं हो, लेकिन यदि आपको ऐसा कुछ कठिनाई हो तो आप इंगित करेंगे, उसको बेहतर तरीके से आपके सामने रखा जाएगा ताकि आपकी समस्या जो आपकी कठिनाई को दूर किया जा सके। धन्यवाद, आज इतना ही।